अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? शहरयार। सर आप नून लीग के सपोर्टर हैं कि पीटीआई? हम पीटीआई के सपोर्टर हैं। पीटीआई के सपोर्टर हैं, अच्छा पीटीआई की कुछ खामियां कुछ अच्छाइयां? पीटीआई की खामियां तो इतनी अच्छाइयां ही हैं अभी तक जो हम देख रहे हैं, बाकी ये नून लीग वालों ने आके ये 2-3 माह में आपको पता ही है हर चीज़ का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। पेट्रोल वो देख लें आप, इसके अलावा बाकी चीज़ें महंगाई वगैरह सारी जो है ऊपर। पीटीआई के दौर में फिर भी ठीक थे मामला ना, हमारे कारोबार चलते थे, लेकिन अब आपके सामने बाजार आप देखें, ये विजिट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? फरहान तारिक। फरहान भाई आप ये बताएं आप किसके सपोर्टर हैं? हम नून लीग के सपोर्टर हैं। आप नून लीग के सपोर्टर हैं, नून लीग कितने अरसे से आए? कितने अरसे से है? जाहिर सी बात है आप सपोर्टर हैं, पहले नवाज शरीफ, फिर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज। नहीं जो मेरी होश के मुताबिक है वो तकरीबन आप 2008 से 2008 से आप कहते हैं कि वो अच्छा कर रही है, मज़ीद अच्छा चल रहा है और अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान। आपने इनकी क्या अच्छी चीज़ देखी है? इनकी अच्छी चीज़ ये देखी है कि इनको मुल्क से प्यार है। इनको मुल्क से प्यार है, अगर सारे इनके दौर में हुए हैं। अच्छा जी, और इमरान खान का क्या रद्द अमल है, क्या आप क्या नज़रिया आपका इमरान खान के सामने कि इमरान खान क्या है क्या नहीं है? इमरान खान जो है ना एक समझे के नज़रियाती पार्टी है उनकी जी, वो सिर्फ इकतदार में आए हैं अपना अपने बदले लेने के लिए। जो उनको तकरीबन कोई 126 दिन कंटेनर पर जिलों खुआर हुए हैं। अच्छा। वो सिर्फ अपना अपने बदले लेने के लिए जो है ना वो गवर्नमेंट में आए हैं, किया उन्होंने कुछ नहीं। उनकी रोज़ाना की तकरीर यही होती थी कि मैं NRO नहीं दूँगा, ठीक है। आज तक उन्होंने यही बोला कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारे पास फंड नहीं है, जो फंड आएगा फिर ये करेंगे फिर वो करेंगे। सर आप मार्केट के हालात तो देख रहे हैं कि क्या जा रहे हैं, कितना डाउन जा रही है मार्केट, तो ये किसका कसूर है सर? ये महंगाई का ही है। तो ये महंगाई किसने की? महंगाई आने जो शेख जी ने खुद कहा है कि इमरान खान ने अगली हुकूमत के लिए विरोध की सुरंगें बिछा दी हैं, अब वो जहाँ भी पांव रखते हैं तो उड़ जाती। जब तक पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत सूद नहीं छोड़ेगी उस वक्त तक ना महंगाई कम होगी ना हालात संवरेंगे। आजकल के दौर में और ये बात देखो, ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद हराम है। जब तक हुकूमत नहीं छोड़ेगी अवाम भी नहीं छोड़ेगी, जब ये छोड़ेंगे तो हालात भी ठीक होंगे और इंशाल्लाह महंगाई भी कम हो जाएगी। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में सूद कम करने की कोशिश भी की है और किया भी है कम, अगर करेगा तो बेहतर होगा। भाई मेरे जब से पाकिस्तान बना है ये हालात हो रहे हैं, किसी वज़ीर आज़म को मुद्दत पूरी नहीं होने दे रही, हो सकता वही रूटीन हो। तो आपका क्या कहना है बाकी आने वाले दौर में क्या होगा? बाकी आने वाले दौर में यही है कि महंगाई होगी। अच्छा, इस पर कंट्रोल नहीं हो सकता पाकिस्तान में? मुश्किल है पाकिस्तान में बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ ईमानदारी कोई नहीं है। सर कल की रिपोर्ट है कि 8.20 रुपये डॉलर बढ़ा है। बढ़ा है ना, तो फिर महंगाई बढ़ेगी। हमने जब चलना ही डॉलर के साथ है, इसके अलावा किसी के साथ चलना ही नहीं है। अभी आवामों की चीखें निकल रही थी जी, इसने महंगाई कर दी, महंगाई कर दी है। अब वो खुद गंजे आ गए हैं, अब इनको नज़र नहीं आ रहा कितनी महंगाई हुई है। मेरा अपना सलोन है, एक कस्टमर नहीं है, काम नहीं है। आज ये हालात है, ज़रा मार्केट में विजिट करें, आपको पता चले क्या काम है, कुछ भी नहीं है जी। हम नाज़रीन आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट के कोई हालात नहीं है, रोज़गार बहुत ख़राब हुए हुए हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारा साथ दें और हमारे साथ चलें, ना कि आपस में लड़ते रहें।